हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KCD इन्फॉर्मेशन चैनल। आज हम करेंगे कंप्रेशन टेस्टिंग कार्टन की। ये देखिए, ये सामने मशीन है और इस तरीके से पूरी मशीन है ये। और ये हमने सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में कार्टन का स्पॉट भी बना हुआ है, वहाँ पे हमने लगा दिया है। ये प्रेशर जैसे स्टार्ट होगा तो डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके से सेंटर पर लगा हुआ है, देखिए बिल्कुल। और ये हो गया स्टार्ट है, देखिए जैसे जैसे ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखिए 465 पीक वन लिखा हुआ है ना, तो 465 मतलब ये लास्ट यहाँ पे आ गया, तो कंप्रेशन इसकी कितनी आ गई कार्टन की, 465। और ये जैसे जैसे कम हो रहा है, इसका लोड कम होता जा रहा है धीरे धीरे। ये आप देख रहे होंगे किस तरीके से कम हो रहा है। ये इसी तरीके से कंप्रेशन निकाला जाता है, बीचों सेंटर्स में रख के इसका स्टार्ट कर देते हैं हम। इसमें लिखा भी है बॉश बॉक्स कंप्रेशन टेस्टर। इसमें कुछ नहीं करना, सेटिंग सेंटर पर लगाना है और स्टार्ट दबा देना है, और इस तरीके से रीडिंग हो जाएगी। ये हम दूसरा सैंपल लगा दिया है, इसका देखते हैं क्या रहे। ये आज हम एक कार्टन की फैक्ट्री में आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम सारे काफ़ी सारे बॉक्स का भी करेंगे टेस्ट, क्या क्या रिजल्ट आते हैं। आइडियल रिजल्ट क्या अपने को बेसिकली कंप्रेशन के लिए लगाने के लिए ये चेक कर रहे हैं हम। ये देखिए जैसे पीक वन, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ रहा है इस तरीके से आपका ही हो रहा है डिस्प्ले। मतलब जितना नीचे वो आपका ये MM वाला जा रहा है, उसका प्रेशर जितना उसमें पड़ रहा है वो चीज़ है। ये देखिए इतना डिस्प्ले हो चुका है 533 4 kg में, ये 534 इसका रिजल्ट। अब हमने दूसरा कार्टन लगाया एक, इसको स्टार्ट कर दिया हमने। एक्चुअली पीक वन जहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ आ जाएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। लोड मतलब जो लोड इसके ऊपर कर रहा है, और वो नीचे जितना लोड में होते हुए नीचे नीचे MM में जाता जा रहा है वो चीज़ है। ये देखिए ये चल रहा है पूरा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है इसमें नॉइस आने लग जाता है हल्का हल्का कार्टन में। जैसे प्रेस कोई भी चीज़ हम उसमें दबाव डाले ऊपर से प्रेस कर रहे हैं क्योंकि, और इसके साइड से भी इस तरीके से हल्का हल्का इम्पैक्ट मेरे को लगना शुरू हो रहा है कि कुछ ना कुछ इनमें इम्पैक्ट लग रहा है साइड से। ये देखिए इस तरीके से कार्टन की शेप भी सेंटर में से हल्का हल्का दबना शुरू हो गया है। ये देखिए, और ये पहुंच गया हमारा ने पे। ये देखिए ये आ गया पीक इस तरीके से। अब ये धीरे धीरे करके नॉइज जब ऊपर को जा रहा है फिर से आवाज़ कर रहा है, क्योंकि ये जितना लोड है इसका रिलैक्स हो रहा है, वो खाली हो रहा है। इस तरीके से कंप्रेशन टेस्टिंग हम लोग करते हैं कि लगा के फाइनल रिजल्ट हम ले लेते हैं। ये था तरीका कंप्रेशन टेस्टिंग का। ये देखिए अभी भी आपको शेप में दिख रहा होगा जैसे, ये अब रिजल्ट फाइनल रोड उसका लोड उसका रिलीज हो गया है। अब देखते हैं क्या है। ये देखिए इतने 24 MM नीचे गया था और 648 उसका पीक्स में रिजल्ट आया है, तो कंप्रेशन हो गया हमारा 648।